ये नहीं जीता तो क्या जीता, पार्टिसिपेट कीजिए द ग्रेट इंडियन रीसेलिंग चैलेंज 24 से 30 अप्रैल को और जीतिए 75,000 रुपये तक। जल्दी से डाउनलोड कीजिए शॉप 101, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही काम का एक ऑर्गेनाइजर शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। तो यहाँ पे मैं पुरानी बेडशीट, अगर इस तरह से आपके पास फटी हुई या कोई ऐसी ख़राब बेडशीट है तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास कर्टन हो पुराना तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नया कोई कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने बेडशीट के पार्ट में से इसको निकाल लिया है, इतना ये डबल करके मैंने रखा है। अब मैं इसको आपको बता देती हूँ कि कितना मैंने इसको निकाला है। तो यहाँ पर चौड़ाई सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ इसकी, आप इससे बड़ा भी बना सकते हो, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना है। तो यहाँ पे 23 इंच का ये आगे वाला पार्ट है मेरा, ये चौड़ाई, लेकिन आप देख सकते हो मैंने डबल रखा है कपड़ा, और कपड़ा जॉइंट है एक में, तो 23 का हम जस्ट डबल ले लेंगे 23 इंच का। तो उसको डबल कर लीजिए, करीबन 46 आएगा हमारा। तो ये 46 इंच की मैंने चौड़ाई ले रखी है, और इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए 27 इंच की मैंने लंबाई लिख रखी है इसकी। तो इस तरह से हमें लेना है, 46 चौड़ाई ली है, 27 लंबाई ली है। अब इसके अंदर हमें ये डबल कर दिया है, हमने कट नहीं किया कपड़े को। अब इसके अंदर हमें फॉर्म का या फिर बकरम का या इस तरह का कुछ आपको इसके अंदर अटैच करना है। आप चाहो तो पुरानी पैंट है आपके पास मोटी, तो उसको अटैच कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं बकरम का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल और कुछ नहीं था अटैच करने के लिए, तो मैं बकरम ही रख रही हूँ इसमें। तो बकरम को कैसे रखना है कि इसको बीच में रखना है, और साइड से हमें देखिए एक पार्ट में ही सिर्फ हम रखेंगे, और ऊपर से हम सेकंड पार्ट जो नीचे वाला है उसको, चादर को इस तरह से ऊपर कर देंगे, उसी पार्ट में दोनों हो जाएगा। आप चाहो तो इस तरह की चावल की बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, बकरम को हमने बीच में रखा है, और ऊपर नीचे चादर रख करके इस तरह से हमने सिलाई कहीं कहीं लगा ली है खड़ी खड़ी। अब ये इस तरह से हो गया है। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, उस पर हमें पाइपिंग लगानी है। ये देखिए, ये जो नीचे पार्ट आ रहा है उसके ऊपर पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से कोई भी कंट्रास्ट कपड़ा ले करके आप पट्टी काट लें। तो पट्टी जो है हमें औरेब नहीं काटनी, यहाँ पर सीधी पट्टी काटनी है, तो सीधी पट्टी काट लेती हूँ मैं। ये देखिए, कुछ एक इंच की करीब पट्टी काट लीजिए, 1.25 इंच की, और इस तरह से अंदर करते हुए सिलाई लगा के कपड़े पे, फिर इसको पलट के हम मोड़ देंगे, तो ये हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। तो इसको सिलाई से कर लेते हैं हम। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक तरफ मैंने ये लगा लिया है पाइपिंग। अब यहाँ से इसको हम मोड़ देंगे। तो मैंने कितना मोड़ा है ये मैं आपको माप करके बता देती हूँ कि कितना मोड़ना है आपको। ये देखिए, ये मोड़ दिया मैंने, और अभी ये बता दे रही हूँ कि मोड़ आप अपने हिसाब से, इसको बाद में आप जब देखोगे तो आपको अपने हिसाब से ये मोड़ सकते हैं आप, लेकिन फ़िलहाल मैं बता रही हूँ 11 इंच मैंने यहाँ पे मोड़ दिया है। अब पाइपिंग वाला पार्ट उठा के मोड़ना है, ऊपर करना है इस तरह से। अभी क्या करना है कि अभी हमें दोनों साइड्स, आप चाहो तो इसमें लेस भी अटैच कर सकते हो, अगर आपको लेस अटैच करनी है तो बीच में या फिर साइड साइड में इस तरह से, लेकिन मैं इसको प्लेन रखने वाली हूँ। अभी हम दोनों साइड में इसके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड ये मैंने सिलाई लगाई है, और एक साइड ये सिलाई लगाई है, कुछ इस तरह से ये सिलाई लग गई है। बीच में से भी पार्ट करना हो तो आप पार्ट कर सकते हो, मैंने पार्ट किया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा हो गया है, बीच से डिवाइड हो गया है। अब आगे करते हैं। ये साइड्स में जो आप देख रहे हो, इन दोनों साइड में हमें पाइपिंग लगानी है।
तो पाइपिंग के लिए फिर से हम स्ट्रेट कपड़ा कट करेंगे और इसी तरह से पाइपिंग हम लगाएंगे जिस तरह से पाइपिंग हमने लगाई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पाइपिंग का कपड़ा कट गया है और इधर से पीछे से लगाते हुए हम आगे की तरफ मोड़ देंगे और सेम उधर भी करेंगे। और ये देखिए दोनों तरफ मैंने पाइपिंग लगा रखी है। ये हो गया हमारा इधर से कंप्लीट। अब ये जो ऊपर वाला है खुला, उसको हम इस तरह से मोड़ेंगे पीछे के साइड, आगे के साइड नहीं मोड़ना, ये पीछे की साइड मोड़ना है। देखिए इस तरह से ऐसे पीछे की साइड इस तरह से मोड़ देनी है। तो ये कर लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने पीछे की साइड इसको मोड़ दिया है। अब जो बाकी एक्सेस बचा है उसको हम पूरा इस तरह से मोड़ देंगे, पूरा मोड़ देंगे, एक सिलाई लगा देंगे और मोड़ना ऐसे कि बीच में होल बन जाए। तो इस तरह से एक सिलाई और लगानी है हमें। तो ये मैं लगा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ओपन है और इधर से भी ओपन है, दोनों माउथ एरिया इसका ओपन है। अब हमें इस तरह की पाइप लेनी होगी। ये पाइप जो है कपड़े की शॉप पर से मैंने ली है, फ्री में उन्होंने दे दी है। तो इस तरह की पाइप अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप वुड की, वुड का भी आता है इस तरह की स्टिक, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाइप इतनी बड़ी लेनी है कि उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑर्गेनाइज़र के बाहर निकले। देखिए इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज़र के बाहर निकालना है इसको हमें। तो ये मेरा निकला हुआ है। अब हम यहाँ पर जो बाहर पीस निकली है उसमें हमें इस तरह से मार्क करना है, ऊपर के साइड में मार्क करना है और सेम दूसरी तरफ भी मार्क करना है। लेकिन मार्क जब हम करेंगे तो ऊपर भी करेंगे और उसी तरह से नीचे भी करेंगे। यहाँ मैंने किया है, अब नीचे की तरफ भी वहीं पे सेम करेंगे। तो इस तरह से गोल बना के आप नीचे की साइड पे भी मार्क कर लीजिए। हमें दोनों तरफ ही होल बनाना है इसमें, ऊपर भी और नीचे भी। तो गर्म करके किसी भी नोकीली चीज़ से आप इसको होल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे होल बना लूँगी, दोनों तरफ एक साथ में डालूँगी तो दोनों होल हो जाएगा। तो ये कर लेते, ये देखिए मैंने इसमें होल बना लिया है, थोड़ा सा इसका इस तरह से शेप आया है। अब क्या करना है कि इस तरह से पतला कपड़ा लेकर के उसके आगे का जो माउथ एरिया उसको सिल देना है और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है लंबाई में। ये देखिए इस तरह से कुछ इधर सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए कोई पतली चीज़ का यूज़ करिए आप और जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ से पलटना स्टार्ट करिए इसको, ये पूरा पलट जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने पलट दिया है। अब मैं इसको इस पाइप में पहना दूँगी। इस पाइप में पहनाने के बाद हमें करना है कि हमने जो होल बनाया था उस होल को भी हमें फिर से इसको कपड़े के ऊपर से होल करना है। तो यहाँ देखिए आप पेन की हेल्प से जहाँ होल बनाया था वहाँ पे आप दोबारा से होल बना लीजिए उसी तरह से गर्म करके कपड़े के ऊपर से, तो पूरा होल बन जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ दूसरी साइड में भी इसी तरह से बन जाएगा। दोनों तरफ होल कर लेना है इसी तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इस तरह की रोप का, पतली वाली रोप नहीं है तो प्लास्टिक वाली जो आती है रस्सी, उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर फीते वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ रोप को होल में इन करने के लिए मैंने बड़ी सुई का यूज़ किया है। सुई में मैंने नॉट लगा दिए धागे में मैंने, और दो तीन बार रोप पर इस तरह से स्टिच करने के बाद हम होल में डाल करके रोप को खींच देंगे जिससे ये अंदर आ जाएगा और रोप को हमारा काम हो जाएगा इससे। तो देखिए ये गाइस मैंने यहाँ पे रोप को अंदर कर दिया है। अब रोप में एक नॉट लगा दीजिए ताकि ये फिक्स हो जाए, निकले ना दोबारा। और इसी तरह हमें दोनों तरफ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कुछ मैं इसके ऊपर भी एक यहाँ पे नॉट लगाऊंगी ऊपर ही सिरे पे रस्सी के, और ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड आप
रोप में इस तरह से नॉट लगा दीजिए। और गाइज यहाँ देखिए मैंने एक कील के सहारे इसको टांग दिया है, बस एक कील की ज़रूरत है आपको टांगने के लिए, और ये इस तरह से हैंग हो गया है। यहाँ पे मैंने मेन पर्पज़ इसका यही था मैंने कि इसको बुक शेल्फ़ के लिए मैंने बनाया था। बहुत सारी बुक्स ऐसे होती हैं जो नहीं यूज़ करते हम लोग डेली, तो उसको हम इसमें रख सकते हैं। मैंने डिवाइड इस तरह से किया था कि हम छोटी और बड़ी दोनों बुक्स को, जो चौड़ी और पतली होती है, दोनों बुक्स को हम इस तरह से इसमें इंटर करेंगे। अभी मैंने एक ही शेल्फ बनाया है, लेकिन आगे चल के मैं इसको तीन शेल्फ बनाने वाली हूँ और तीनों को एक लाइन में नीचे ऊपर टांगूंगी, जिससे ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो, एक बेडशीट में आपके आराम से कई बन जाएंगे और एक लाइन में आप इसको टांग सकते हो। बुक के अलावा और भी कई ऑर्गेनाइज़र है, रोज़ के न्यूज़पेपर आप हैंग कर सकते हो, मैगज़ीन वगैरह हैंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हैंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, थैंक यू, बाय बाय।